सो लेट्स टॉक अबाउट द पियानो लॉजिक बिहाइंड हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस। यहाँ पे हमारा 555 टाइमर है, तो ये 555 टाइमर की खासियत तो ये ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जिसे वर्क कर सकता है। तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या था, स्क्वायर वेव जनरेट करता है। तो यहाँ स्क्वायर वेव जनरेट होता है और यहाँ पे हमारा वेरिएबल रजिस्टर और ये स्पीकर है और ये हमारे पुश बटन है, हमारे रजिस्टर्स हैं। तो हमारे एक रजिस्टर की वैल्यू अगर 1 है तो हमें पता है सीरीज में अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे दोनों का अगर कंबाइन लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो सेकेंड वाला की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर लास्ट तक की बात करेंगे तो यहाँ तक रेजिस्टेंस की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो ये इसकी वजह से डिफरेंट ट्यून जनरेट हो रहा है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बाद हमारे ये साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ से हमारे स्क्वायर वेव जनरेट होकर बार बार इसमें जा रहा है स्पीकर के पास, और ये हमारे वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से हम ट्यून चेंज कर पा रहे हैं। और ये स्पीकर के अंदर हमारे दो तरह के मैग्नेट होते हैं, एक तो होता है एक परमानेंट मैग्नेट होता है और एक टेम्प्रेरी मैग्नेट होता है। तो जब इसमें सप्लाई जब जाती है, करंट इसमें जब जाता है, तो वो जो टेम्प्रेरी जो मैग्नेट होता है वो परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक ऑलरेडी उसमें जो मैग्नेट होता है वो नॉर्थ पोल में अगर होगा और ये साउथ पोल क्रिएट कर जाता है, तो क्या होता है डिफरेंट जो सेम तरह के जब नॉर्थ और सोल दोनों क्या है कि पोलरिटी हैं, अगर सेम अगर पोलैरिटी हो जाता है तो दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं, और डिफरेंट हो जाते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों ही जब कॉइल आपस में ऐसे अट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से वाइब्रेशन होता है। हमें पता है कोई भी साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशन की वजह से होता है। तो वाइब्रेशन का मतलब यहाँ पर टू एंड फ्रो ऑफ मोशन की वजह से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हमें पता है साउंड एक वेव होता है, उसके मैकेनिकल वेव होता है जिससे हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यही फेनोमेना इसमें लग रही है और इससे हम लोग पियानो बनाते हैं। और भी हमें ट्यून लगाने के लिए और भी हम इसमें रजिस्टर चेंज लगा देंगे और इसमें पुश बटन लगाएंगे तो और भी हमारे ट्यून जनरेट हो सकते हैं। तो यही हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि कैसे हमारा ये पियानो वर्क करता है। और अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इसका यूज हम लोग किसी के बर्थडे के सेलिब्रेशन करते समय हम किसी को गिफ्ट कर सकते हैं अपना खुद का पियानो बनाकर। और इसको सर्किट को बनाना बहुत काफ़ी ईजी है। जैसे मैंने इस सर्किट को बनाया कैसे, ये पहले मैंने एक लेआउट लिया, इस लेआउट को एक्सप्रेस वीस भी एक सॉफ्टवेयर आती है उससे मैंने इसको यही वाले सेम जो सर्किट इसको मैंने डिज़ाइन की ईगल सॉफ्टवेयर से। तो ये डिज़ाइनिंग ऐसे बन के आई, तो ये सॉफ्टवेयर से मैंने डिज़ाइनिंग की है और वही डिज़ाइनिंग मैंने जो पियानो की इसके पीछे बैक साइड की अगर बात करें तो बैक साइड दिखाऊंगी। तो यही हमारा जो लेआउट है ये पियानो की लेआउट है, लेआउट से मैंने इसको पीसीबी पे एक्स मुझको मतलब मैंने इस पर डिज़ाइनिंग की है। और इस पर हमारी बस वर्क क्या होती है कि हम सोल्डरिंग कर दिए इसमें जो भी कनेक्शन उसको देख लेंगे और उसके बाद टेस्टिंग कर लेते हैं अगर कोई भी दिक्कत आती है। तो इस सर्किट में इसको सर्किट को बनाने के लिए कुछ नहीं है, इस एक्सप्रेस पीसीबी से भी हम लोग बना सकते हैं, या तो एक सॉफ्टवेयर ईगल सॉफ्टवेयर आप लोग इसको डाउनलोड करके उससे इससे बनाकर इस पर बनाने के बाद इस पर काफ़ी इजी तो हो जाता है। पहले मैंने 0 PCB भी बनाया तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था, तो इस पर अगर बनाएंगे तो काफ़ी आप मतलब 2-3 घंटे में इसे तैयार कर सकते हैं अगर कंसेप्ट पूरा क्लियर है। तो यही बेसिक है, अगर डिटेल कुछ जानना है तो मैं फर्दर वीडियो में बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।